जोहार साथियों, मैं शिल्पा सुहासिनी NMMBS प्रांतीय प्रवक्ता झारखंड आप सबों से 29 सितंबर 2019 को रांची के मोराबादी मैदान में जमा होने के लिए, एकत्रित करने के लिए, पेंशन पर संघर्ष करने के लिए आप सबों का आह्वान करती हूं। साथियों, सरकार के द्वारा हमारे साथ जो दो की जा रही है उसी के खिलाफ हमें एक साथ एकजुट होकर एक मंच से आवाज उठाना है। हम हो सकता है अलग अलग विभाग में कार्यरत हो, हम हो सकता है अलग अलग संघ से संबंध रखते हो, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम सभी की बस एक ही आवाज है, एक ही मांग है, पुरानी पेंशन फिर से बहाल की जाए, हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा पुनः लौटा दिया जाए। अगर आज हम नहीं जागे साथियों, तो आने वाले दिनों में हमारे साथ इससे भी भयावह स्थिति होने वाली है या हो सकती है। हम सरकारी कर्मी जो जनवरी से जून तक ज्वाइन करते हैं, उनकी रिटायरमेंट की तिथि 30 जून और जो 1 जुलाई से 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक ज्वाइन करते हैं, उनकी रिटायरमेंट की तिथि 31 दिसंबर सरकार के द्वारा आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में रिटायरमेंट के सिर्फ दो ही दिन हुआ करेंगे, 30 जून और 31 दिसंबर। चूंकि हमारा पेंशन क्या होगा ये बाजार तय करता है, तो ये दो दिन बाजार को गिराना सरकार के बाएं हाथ का खेल होगा। अगर आज हम नहीं जागे तो हम कभी नहीं जाग पाएंगे। आज हमारे बाजुओं में ताकत है, आवाज में बुलंदी है, तो हम सभी को अपने हक के लिए आवाज उठाना होगा। जब कल हमारी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं होगा, हमारी आवाज लड़खड़ाएगी, आवाज निकल नहीं पाएगी और हमारी आवाजों को दबा दिया जाएगा, तब हमारे साथ खड़ा होने वाला हमारा अपना खुद का परिवार भी नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज हम सभी एक साथ आवाज बुलंद करें सरकार के खिलाफ। जो हमारे साथ सरकार अन्याय कर रही है, हमारा निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ। हमारा पैसा है, हम जानेंगे कि हमें उसका क्या करना है। सरकार कैसे तय कर सकती है? कंपनियां डूब रही हैं, भाग रही हैं, कल को हमारा पैसा सुरक्षित है इसकी गारंटी सरकार भी नहीं लेती है, तो फिर ये हमारे साथ होने वाला अन्याय ही तो है। इसी अन्याय के खिलाफ हम सभी को एक साथ एक मंच पर आना ही होगा। करो या मरो, ये स्थिति अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी। अंग्रेज भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जब पूरे भारत में स्वतंत्रता के खिलाफ आवाज उठ गई थी, तो उन्हें हमें आजाद करना पड़ा था। आजादी की कीमत हम लोगों ने अपनी जान दे करके पाई है। आजाद हम यूं ही नहीं हुए हैं, ऐसी आजादी नहीं मिलती है कि अब अंग्रेज के खिलाफ हमने आवाज उठाया और हमें आजादी मिल गई। बस उसी तरह अभी हम गुलाम हो रहे हैं हमारे सरकार के द्वारा। तो अगर हम केवल सरकार के पास जाकर डिमांड करेंगे कि हमें पुरानी पेंशन दे दे, तो सरकार इतनी आसानी से पेंशन नहीं देने वाली है। इसके लिए आजादी के टाइम जैसे हम सब, हमारे पूर्वज एकजुट होकर, सारे स्वतंत्रता सेनानी एकजुट होकर के आवाज बुलंद किए और स्वतंत्रता प्राप्त किए, उसी प्रकार हमें भी NPS से स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आइए इसी कड़ी में 29 सितंबर 2019 को रांची के मोराबादी मैदान में चलते हैं और पेंशन पर संघर्ष में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। NPS जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NPS go back, go back, go back। NPS go back, go back, go back। NPS come back, come back, come back। NPS come back, come back, come back। NPS हटाओ, देश बचाओ। NPS हटाओ, देश बचाओ। NPS एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। NPS एक धोखा है, धोखा।